हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिशा यूट्यूब चैनल। दिशा के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम विच वॉज हेल्ड ऑन 5th June 2022। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू एनालाइज ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। इस वीडियो में हम ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे कि क्या ट्रेंड रहा है क्वेश्चन का, किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, क्या डिफिकल्टी लेवल है। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द सब्जेक्ट वाइज वेटेज कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं लास्ट 5 ईयर्स में, और जो आपकी 2022 की प्रीलिम्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है, क्या ट्रेंड रहा है, क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में इंक्रीज हुए हैं, किस सब्जेक्ट में डिक्रीज हुए हैं। अगर हम 2021 की बात करते हैं तो 2021 में पॉलिटी से 14 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन थे, एनवायरमेंट से 11 क्वेश्चन थे, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर 27 क्वेश्चन थे, साइंस एंड टेक्स से 8 क्वेश्चन थे। अगर हम 22 की बात करते हैं यानी कि प्रेजेंट ईयर की, जो कि हमारा अभी संडे को 5th June को एग्जाम हुआ है, तो वहां पे हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी और इकोनॉमी ने एक कमबैक किया है। वी कैन से इन दिस पेपर ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, इन दोनों ने एक कमबैक किया है। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन लास्ट कुछ ईयर से हमें देखने को मिलता था कि या तो सेम टाइप का क्वेश्चन पूछता था यूपीएससी, या फिर क्वेश्चन बहुत कम पूछते थे, पर पीपल यू नो प्लेसेस इन न्यूज़ पूछ लिया, या अगर कोई न्यूज़ में है कुछ तो टॉपिक वहाँ से पूछ लिया। तो जो ज्योग्राफी का आज से 5 साल पहले क्वेश्चन आया करते थे, वेटेज काफ़ी कम हो गया था। सेम इकोनॉमी के अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स का ये बोलना था कि सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते ही नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट्स ने कॉन्सेप्ट पढ़ना बंद कर दिए थे। बट आई हैव ऑलवेज सजेस्टेड टू एवरीवन, टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर बेसिक्स फर्स्ट, देन यू शुड यू नो शिफ्ट योर टारगेट, शिफ्ट योर स्टडी टू करंट अफेयर्स। पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी होना बहुत जरूरी है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स, आपकी रेफरेंस बुक्स, उसके बाद आप करंट अफेयर पर जाओ और करंट अफेयर को फिर कवर करने का ट्राई कीजिए। सेम अगर 2022 में पॉलिटी की बात करते हैं तो देयर वर 10 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी, 16 फ्रॉम हिस्ट्री, 15 फ्रॉम ज्योग्राफी, 16 फ्रॉम एनवायरमेंट, 18 फ्रॉम इकोनॉमी, 12 फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक से 13 क्वेश्चन आए थे। एंड इट इज सेड दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द न्यू फेवरेट यू नो सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी साइंस एंड टेक में से काफी क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम हर एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, कौन सा ईजी था और कौन सा मॉडरेट था। एंड इट इज द यूपीएससी एग्जाम, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी एग्जाम, तो ऑब्वियसली ईजी तो कुछ होता ही नहीं है। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, हम बात करें पहले इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में से कुछ अराउंड 10 या 12 क्वेश्चन थे, प्रिसाइजली 10 क्वेश्चन थे। कुछ आप इंटर यू नो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को भी लोग पॉलिटी के अंदर, गवर्नेंस के अंदर कंसीडर करते हैं, इसलिए हमने 10-12 क्वेश्चन करें। अकॉर्डिंग टू मी देर वर 10 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन देवर यू नो ईजी एंड कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। सो द टोटल ओवरऑल द क्वेश्चन पैटर्न फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन वर ईजी टू मॉडरेट। क्वेश्चन लाइक यू नो डिप्टी स्पीकर, आर्टिकल 368 विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये सब क्वेश्चन ऐसे जो आपने अपने पूरे सब्जेक्ट में, अपनी बुक्स में, अपने नोट्स के अंदर एनसीईआरटी में अच्छे से कवर किया है। इवन ये टॉपिक वो है जो लास्ट ईयर न्यूज में भी थे, और न्यूज का उन्होंने करंट अफेयर का स्टैटिक पोर्शन यूपीएससी हर साल पूछता है, नेक्स्ट ईयर भी पूछेगा। साथ ही साथ ऐसे कुछ क्वेश्चन भी थे जो कि थोड़े से एडवांस लेवल के लगे बच्चों को और थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स लगे, जैसे एडवोकेट को और लॉयर के बीच में डिफरेंस पूछा गया, तो बच्चों को ये आप कहीं पे भी आपको किसी बुक के अंदर पढ़ने को नहीं मिलता है। साथ ही में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे क्वेश्चन आया। मैंने अपने आई थिंक पॉलिटी के हर लेक्चर में ये कहा था करंट अफेयर के कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो काफी टाइम से न्यूज में है। तो पॉलिटी के सेक्शन में हम इजी टू मॉडरेट जा सकते हैं, बट व्हाट आई से कि पॉलिटी का सेक्शन मॉडरेट था। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बेसिक क्लियर हैं, तो आप इन 10-12 क्वेश्चन में से इजीली 7-8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। बट एक पॉइंट यह भी है, जहां पे इंडियन पॉलिटी के 15-16 क्वेश्चन लास्ट ईयर हमें देखने को मिले हैं,
इस साल पॉलिटिकल सेक्शंस को यूपीएससी ने कम कर दिया है। हम बात करेंगे एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट पे यूपीएससी ने वही सेम एग्जैक्ट लेवल रखा है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन राइस इंटेंसिफिकेशन था, पर्टिकुलेट मैटर से था, कुछ जैसे हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड पोल्यूशन से क्वेश्चन आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, कन्वेंशन से आए हैं। तो आई वुड से द क्वेश्चंस वर मॉडरेट टू डिफिकल्ट, लेकिन स्टूडेंट से बात करने के बाद हमें यह लगा है कि थोड़े से क्वेश्चन जो इंक्लाइंड थे, देवर इंक्लाइंड टू मोर डिफिकल्टर साइड। तो डिफिकल्ट ज्यादा थे क्वेश्चन, यानी कि मॉडरेट से इजी क्वेश्चन एनवायरमेंट में आई थिंक शायद एक भी नहीं था। और जो सेम क्वेश्चन यूपीएससी 16, 17, 18 एक एवरेज लेके चलते हैं एनवायरमेंट का, तो इस साल भी 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी ने एक तरीके से कमबैक किया है। प्लेसेस इन न्यूज के साथ साथ उन्होंने बाकी भी क्वेश्चन, कुछ सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, कुछ ऐसी लेक्स जो इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वाइड उनके बारे में पूछा गया, कुछ पीक्स के बारे में पूछा गया, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो प्रॉपर स्टैटिक बेस्ड थे, तो या तो आपको उनका आंसर आता होगा या नहीं आएगा, बट ऐसे क्वेश्चन भी थे जिसके अंदर आप थोड़ा अपना माइंड लगा के, थोड़ा सा यू नो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एग्जाम के अंदर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो माई टेक इज लाइक यू कैन ईजिली अटेम्प्ट 8 to 9 क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी सेक्शन। एनवायरमेंट में से भी आप 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। नाउ हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो मैंने अपने लेक्चर्स में बच्चों को ये समझाया था कि मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री दोनों में से यूपीएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछ लिए हैं। नाउ इट इज़ अ टाइम यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मिडिवल पार्ट। सो इस बार हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिडिवल में से देखने को मिले हैं, मिडाइवल में से देखने को मिले हैं। जिन लोगों ने मिडाइवल के अच्छे से प्रिपरेशन करी थी, तो आई एम श्योर उनका हिस्ट्री का पोर्शन बहुत ही अच्छा रहा होगा। लेकिन अगर आपने मिडाइवल को स्किप किया था, तो आई एम श्योर कि आपको एग्जाम देते हुए काफ़ी रिग्रेट फील हुआ होगा और आपको लगा होगा कि हिस्ट्री का मिडाइवल पार्ट अच्छे से पढ़ना चाहिए था। कुछ क्वेश्चन जैसे अशोका एडिक्ट में से आए हैं, राजपूत डायनेस्टीज में से आए, क्रिप्स मिशन में से आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में से क्वेश्चन आया, ये वर दीज वर दी यू नो द ईजी क्वेश्चन, ईजी टू हैंडल एंड दे वर द डोएबल क्वेश्चन, कि आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे एक थोड़ा सा माइंड को ओपन करके, थोड़ा सा सोच के समझ के। पर क्वेश्चंस लाइक संगम लिटरेचर, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वर नॉट रियली डिफिकल्ट, रियली इजी, दे वर द डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट। सो हिस्ट्री का ओवरऑल अगर टेक लिया जाए, तो डिफिकल्ट की साइड में ज्यादा जाऊंगा क्योंकि मिडाइवल में ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। यूपीएससी को भी ये आइडिया है कि मिडाइवल को बच्चे स्किप करके जाते हैं, तो डिफिकल्ट मैं मानूंगा कि डिफिकल्ट सेक्शन था एक पेपर का। 16 में से अगर आपने 8-9 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करे हैं, सो आई वुड से यू हैव अटेम्प्टेड अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी को मैंने जब भी पढ़ाया है, चाहे मैंने करंट अफेयर पढ़ाया हो, चाहे स्टैटिक पढ़ाया हो, आई ऑलवेज सजेस्ट एंड एडवाइज वन थिंग टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट्स और ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन, कि यू शुड फोकस ऑन योर बेसिक्स, यू शुड फोकस ऑन योर स्टैटिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको इकोनॉमिक के स्टैटिक बेसिक्स नहीं आएंगे, तो आप करंट अफेयर वैसे भी नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे यूपीएससी के पेपर ने हमें ये प्रूव कर दिया है कि इकोनॉमी का स्टैटिक पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इन्फ्लेशन के बारे में, डेब्ट फाइनेंसिंग के बारे में, कुछ ऐसे जो पॉइंट हैं, जो बेसिक हमारे इन्फ्लेशन है, बेसिक हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है, ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होंगे, तभी आप इस साल के इकोनॉमी का सेक्शन कवर या फिर क्लियर कर सकते हैं। इकोनॉमी का सेक्शन अकॉर्डिंग टू मी वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट येस अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि बच्चों को लगता था कि इकोनॉमिक्स में से, इंडियन इकोनॉमी में से क्वेश्चन सिर्फ 10 या 11 आएंगे, क्वेश्चन 18 आए। क्वेश्चन का एक तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ, क्वेश्चन की यू नो क्वांटिटी इंक्रीज हुई, साथ ही साथ जो करंट अफेयर के ऊपर हमेशा इंक्लाइन रहता था इकोनॉमी, इस बार स्टैटिक के ऊपर हमें इंक्लाइन दिखा, तो बच्चों को यहाँ पर डिफिकल्टी आई होगी। लेकिन जो बच्चे लास्ट एक साल से, डेढ़ साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका इकोनॉमी का सेक्शन आई एम श्योर अच्छा गया होगा। फिर बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत कोई अलग चीज़ नहीं थी, जितने क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है हमेशा उतने ही क्वेश्चन पूछे हैं। साथ ही साथ जो एवरी ईयर जो करंट टेक्नोलॉजीज हमारे देश में आ रही हैं, वर्ल्ड वाइड आ रही हैं, उसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, इस साल भी सेम चीज़ें देखने को मिली। जो टेक्नोलॉजी हमारी लेटेस्ट इनोवेशन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो सब हमें देखने को मिला। कोर साइंस में से, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में से अगर बात करें, तो बायोलॉजी के कुछ 1, 2, 3 क्वेश्चंस थे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक बात आप सबको ध्यान रखनी है आने वाले अपने अगले अटेम्प्ट्स के लिए, आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स में, चाहे वो करंट अफेयर का हो, बहुत डीप डाइव नहीं करना,
एक बेसिक एवरेज लेके चलना है। कंक्लूजन फ्रॉम माय साइड, द पेपर वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, लेकिन मैं अगर ओवरऑल अपने स्टूडेंट से बात करने के बाद आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि पेपर ज्यादा डिफिकल्ट था। फ्रॉम द लास्ट ईयर द पेपर वाज रियली वेरी डिफिकल्ट। लास्ट ईयर की कट ऑफ 88 गई है एंड आई एम जस्ट यू नो एनालाइजिंग कि जो कट ऑफ है वो 90 के आसपास ही रहेगी, 90 से एक दो नीचे या एक दो ऊपर। पेपर डिफिकल्ट था, 60% पेपर को अटेम्प्ट करना, 60% पेपर के क्वेश्चंस को क्लियर करना स्टूडेंट्स के लिए इजी था जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। स्टूडेंट्स विद अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद बेस ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड अगर उन्होंने पूरे एक साल डेढ़ साल करंट अफेयर अच्छे से कवर किया है तो 60-70% पेपर उन्होंने बहुत ईजिली सॉल्व किया होगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है देन दिस पेपर वॉज डिफिकल्ट फॉर दो स्टूडेंट्स। तो अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए, अपने आने वाले अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप करेंगे आगे जाके, तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले स्ट्रॉन्ग करो फिर करंट अफेयर पे या रेफरेंस बुक्स पे जाओ। अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चों ने लास्ट ईयर एक गलती कर दी कि स्पोर्ट्स का दो क्वेश्चन आ गए तो बच्चों ने पूरे साल का स्पोर्ट्स पढ़ने बैठ गए, जबकि मैंने ये बच्चों को मना भी किया था कि यूपीएससी ने एक बाउंसर फेंका है, सिर्फ दो क्वेश्चन की बात है, दो क्वेश्चन के लिए स्पोर्ट्स पढ़ने मत बैठ जाना। इस साल भी यूपीएससी ने कुछ लोकेशंस को लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए हैं। तो अब आप ऐसा मत करना कि जितनी भी लोकेशन पूरे आपको करंट अफेयर के डेढ़ साल के अंदर मिलती हैं आप उसको करने बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता। ये यूपीएससी के बाउंसर्स हैं, अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन हैं जो हर साल आएंगे। हमें उन अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन को ना लेके हमने अपने बेसिक्स पे लास्ट एक डेढ़ साल के करंट अफेयर फोकस करना है। और अगर आप पूरी ईमानदारी से ऑनेस्टी से फोकस करते हो बेसिक्स पे करंट अफेयर पे तो आपका आने वाला एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने अभी भी इस साल भी अपने बेसिक्स को करंट अफेयर्स को कवर करके पेपर दिया है तो आपका ये वाला प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाएगा। हम बात करेंगे कट ऑफ की, तो कट ऑफ आपके सामने है। इस साल की अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ 2022 की, तो मुझे लगता है कट ऑफ 90 के आसपास जाएगी। लेकिन अगर 90-95 अगर हम लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि 91-92 या फिर 89 ये कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। मैं नंबर सजेस्ट करूंगा कट ऑफ जाएगी 87। बाकी देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है। सबकी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यू सबकी कट ऑफ लिखी हुई है, एक बार आप देख लीजिएगा। एंड आप सब ने, जिन बच्चों ने भी 5 जून को एग्जाम दिया है उन सबको बेस्ट ऑफ लक। आई विश कि आप सबका प्री क्लियर हो और आप सितंबर के अंदर मेंस लिखें। हम आपके लिए मेंस का भी एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लेके आएंगे जिससे कि आप अपने आने वाले मेंस के एग्जाम में जो कि 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है उसमें बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट के लिए। थैंक यू सो मच।